हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उपमा की रेसिपी। ये झटपट बन जाते हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए मैंने लिया है मोटी वाली रवा। इससे उपमा अच्छे बनते हैं। दो टाइप्स की रवा होती है, एक मोटी दाना वाली और दूसरी महीन रहती है। जनरली महीन वाली रवा से मिठाइयाँ, हलवा सब बनते हैं। अगर आप महीन वाली रवा से उपमा बना लेंगे तो वो बिल्कुल खुली खुली नहीं बनेगी। कढ़ाई में एक टेबलस्पून घी डालें और सूजी को डाल दीजिए। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, मेजरमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। और लगातार पलटे से चलाते हुए भून लें, जिससे सूजी बराबर से सेक जाए। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लीजिए। सूजी को हाई फ्लेम में बिल्कुल भी मत भूनिएगा, नहीं तो तुरंत जल जाएंगे और कड़वा टेस्ट आएगी। सूजी में से बहुत बढ़िया सौंधी खुशबू आ रही है, कलर भी पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो उपमा बहुत बढ़िया बनेगी। ये भून गया है, इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। 4 से 5 मिनट में सूजी भून के तैयार हो गए हैं। अब दोबारा से मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और 2 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं। अब घी में 2 चम्मच मूंगफली डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम में भून लेंगे और इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। मूंगफली जब चटकने लगे तो इसमें 7 से 8 काजू डाल देंगे। काजू बहुत जल्द फ्राई हो जाते हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे एक बाउल में। और बचे हुए घी में 1/2 चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से चटकने दीजिए, अगर ये कच्चे रह जाएंगे तो कड़वा लगेगी। 1/2 चम्मच उड़द की दाल डाले हैं और साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच चना की दाल और साथ ही 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इन्हीं चीजों से उपमा का स्वाद आता है। इसे लो फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। ये थोड़ा भून जाने पर इसमें 3 हरी मिर्च को डाल देंगे। इसी के साथ हम डालेंगे ग्रेटेड अदरक को। 8 से 10 करी पत्ता डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे। और ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब सब्जी डालेंगे। तो सब्जियों में मैं ले रही हूँ 1/2 कप गाजर, 1/2 कप मटर और हम थोड़ा सा लेंगे शिमला मिर्च। अपने मनपसंद की खूब सारा भेजी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को पूरी तरह से गलाना नहीं है, हल्का क्रंच बैठ रहे तो ये खाने में और भी अच्छा लगता है। 2 मिनट के करीब मैंने सब्जियों को भून लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। तो जिस कप से मैंने सूजी लिया था उसी कप से 3 कप पानी डाल रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिए। पानी डालने के बाद अभी हम इसमें उबाल आने देंगे। तब तक जो सब्जी है जस्ट हल्का से सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये उबल रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम सूजी को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। सूजी ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। सूजी डालने के बाद गैस का फ्लेम को लो कर लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे हम ढक देंगे और 3 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। 3-4 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा लेंगे और अब देख सकते हैं ये बहुत ही खुली खुली बनी है। और अब नींबू का रस 1 चम्मच हम डाल दिया है। इसी के साथ हरा धनिया मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम 1 चम्मच घी को डाल देते हैं और इसे उपमा का टेस्ट बढ़ जाता है। और अब जो काजू और मूंगफली रोस्ट करके रखे थे वो डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे।
और अब गैस को बंद कर देंगे। फिर से इसे कवर कर लेंगे और 3 मिनट तक ऐसे ही हम रहने देंगे जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट के बाद इसे और एक बार चेक कर लेते हैं और ये उपमा बहुत ही बढ़िया बना है। आप इसे कोकोनट चटनी से सर्व कर लीजिए या ऐसे ही विदाउट चटनी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।